Subscribe and click on the bell icon to be the first to see the latest video. Ab phir hamari shaadi hogi. Kis par official? Yes, with full term charm. Soumesh aa raha hai Mumbai. How close are you to him? Not really. I haven't met him in ages. Maine chhaya ko ek do din ka kaha hai to make sure bhaiya ek do din mein chale jaye. Bahut zaruri kaam se aaya hu. Kisi se paise vasool hain. Paise mil gaye? Nahi. Hello? Kaun hai aap? Chori. Nahi nahi. Bhaiya almost caught me red handed entering the house. For now, मैं उन्हें यहाँ बुलाता हूँ, ठीक है? तुम जाकर जो सामान उठाना चाहो उठा लो। अंबाला में ऐसा नहीं होता है, मतलब भरी दोपहरी में चाबी लगाकर पता? लेकिन अगर वो शेर है, तो हम भी सवा शेर हैं, वापस नहीं आ पाएगी। अच्छा? ऐसा क्या किया भैया? सर ये रही आपकी नई लॉक की चाबियाँ। एक सेकंड सर। थैंक यू। चेक करना, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। हाँ सर, आ गया सर। Thank you, sir. Bye, sir. Bye, bye. दो तू रख ले, एक मैं रख लेता हूँ. वक्त आने पे दे दूँगा. भैया आपने कारपेंटर बुलाया कहाँ से? अरे वो अर्बन क्लैप का ऐप है ना, मैंने डाउनलोड कर लिया, वहीं से बुला लिया. मैं अभी आता हूँ. अरे इधर ठंडा हो जाएगा, कहाँ जा रहा है अभी? हेलो भैया, निकल गए क्या? नहीं बेबी, तुम घर पहुंच गई? यस, एंड पता नहीं समथिंग इज रॉन्ग, लॉक खुल ही नहीं रहा है. खुलेगा भी नहीं. क्यों? भैया ने घर के लॉक चेंज करा दिए. एक्चुअली उन्हें लगा तुम थीफ हो फॉर सिक्योरिटी. आर यू सीरियस? मेरे घर का लॉक उन्होंने चेंज करा दिया किसकी परमिशन से भाई? I know it's very stupid, yeah. Yes, it is stupid, yeah. मैं बेवकूफ हूँ जैसे बैग लेके घूम रही हूँ कपड़ों के लिए अपने. You know what? I'm done. मेरा हो गया. ये ना, I'm just giving you one more day. Figure this out. I don't know तुम कैसे भैया से बात करोगे. Just talk. That's it. भैया, बस एक और दिन. Maybe just one more day. Okay. I'm working on it. Maybe just one last day, please. Okay. अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि one more day, please. Yeah, I know. अभी 6:56 हो रहे हैं. मैं रात के 10 बजे घर वापस आऊंगी. अपने बाथरूम में नहाऊंगी. अपनी कबर्ड से अपनी पसंद के कपड़े निकाल के पहनूंगी. अपने डाइनिंग टेबल पे खाना खाऊंगी और अपने बेड पे सोऊंगी. जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू. कैन आई हैव द की प्लीज? अरे वाह, आज बड़ी जल्दी आ गया. भैया कपड़े निकालो और बैग पैक करो, हम जा रहे हैं. जा रहे हैं? बैग पैक करो. कहाँ जा कर रहे हैं? भैया सवाल मत करो, चलो उठो जल्दी करो, पैक करो, हम वेकेशन पे जा रहे हैं, चलो. लेकिन शिवेंदु मैं तो ऑलरेडी वेकेशन पर हूँ, बता तो सही कहाँ जा रहे हैं? महाबलेश्वर जा रहे हैं. महाबलेश्वर जा रहे हैं? अरे ये तो कमाल का सरप्राइज है. तेरी छुट्टी हो गई क्या? हाँ भैया मेरी छुट्टी हो गई, अब प्लीज बैग पैक कर लो. क्या चल रहा है शिवेंदु? कुछ नहीं भैया, सब कुछ ठीक है. नहीं सब कुछ ठीक है तो हम लोग तो महाबलेश्वर जा रहे थे ना, तो फिर यहाँ गेस्ट हाउस क्यों आ गए? भैया हम कल महाबलेश्वर जाएंगे, अभी आप आराम करो. हाँ तो फिर कल ही निकलते घर से, आज यहाँ क्यों आए हैं? भैया घर से अभी निकलना था. आप नहीं समझोगे, कल सुबह बात करते हैं. क्यों नहीं समझूंगा? क्योंकि मैं छोटे शहर से हूँ. अच्छा शायद तू ये सोचता है कि मैं छोटे शहर से हूँ इसलिए मेरी सोच भी छोटी होगी. शिवेंदु तुझसे बड़ा हूँ, तुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है, तुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है. एक बार बता कर तो देख, हो सकता है समझ जाऊँ. हाय परमीत, व्हाट हैपेंड? But I...
Look. Next year. Thanks. क्या हुआ? सब ठीक है? आप जिस फूड ट्रक पर आए थे वो मेरा है. मैं अपनी जॉब छोड़ चुका हूं और अपना सब कुछ इसमें इन्वेस्ट कर चुका हूं. जो सेकंड ट्रक मुझे अपने बिजनेस प्लान के हिसाब से शुरू करना था उसके इन्वेस्टर ने अभी अभी बैकआउट कर दिया है. एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू. ऑन टॉप ऑफ दैट, जो इंसान मेरी सबसे ज्यादा केयर करता है उसे पिछले एक हफ्ते से मैंने घर से बेघर कर दिया है. किसे? माय वाइफ, बीवी. बीवी? शादी कब हुई? 6 महीने पहले. 6 महीने पहले? अरे तो बताया क्यों नहीं? इतनी बड़ी खुशी की बात तूने छुपा के रखी. अरे इस बात को तो सीना ठोक के बताना चाहिए. भैया नहीं बता सकता था. जिस कंपनी में वो काम करती है उस कंपनी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो 5 साल तक शादी नहीं कर सकती, और अगर कंपनी में पता लग गया तो कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते. हाँ तो थोड़ा रुक जाता, कुछ टाइम बाद शादी कर लेता. भैया बिना शादी किए एक लड़का और एक लड़की को रेंट पर मकान नहीं मिलता, और हम दो दो फ्लैट का खर्चा नहीं उठा सकते. हाँ, तो अब ये भी बता दे तेरी बीवी कौन है. वो ही ग्लैमरस चोर जो आपको मिली थी. वो? अरे बाप रे, उसको तो मैंने क्या क्या बोल दिया. मैं तो उसके लिए बिन बुलाया मेहमान हो गया. शिवेंदु, ये तूने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया. बीवी को घर से निकाल दिया. अगर उसकी जगह तेरी भाभी होती ना तो जूते से मारती मुझे, वो भी बीच सड़क पे. कहां है, कहां तेरी वाइफ? शिवेंदु. हेलो चंदू, कहां है तू? अच्छा ये गोरे गांव में महालक्ष्मी गेस्ट जानता है? आ जा. अरे भाई साहब उतरो. अरे उतरो मतलब मुझे तो बांद्रा जाना है. पर मुझे तो गोरेगांव जाना है. तो मैं क्या करूं? अरे भाई साहब मुझे कोई अर्जेंट काम है, आप उतर जाइए. तो मैं कैसे जाऊंगा? आप दूसरी टैक्सी पकड़ लो. पैसे नहीं दूंगा. एक भाई पैसे की क्या बात करते हैं आप ना, ये 10 रुपए रखो, बच्चों के लिए अमरूद लेके जाना. तुम्हारी कंप्लेंट करनी पड़ेगी. अच्छा एक बात बता, ये बीवी का तो समझ में आता है, लेकिन ये फूड ट्रक वाली बात तूने क्यों नहीं बताई? भैया आप तो जानते हैं पापा कैसे सोचते हैं. मैंने उन्हें हिंट दिया था फोन पर, लेकिन उन्होंने कहा क्या बावर्ची बनेगा. ऐसा थोड़ी ना होता है, खाना बनाना भी टैलेंट का काम होता है. तूने मेरे हाथ का खाना खाया ना? टेंशन मत ले, सब सही हो जाएगा. हमारे घर पर जब कोई बिना परमिशन आ जाता है तो हम लोग सिक्योरिटी को बुलाते हैं. उस दिन मैं आपके घर को अपना घर समझ के सिक्योरिटी सिक्योरिटी चिल्लाने लगा, आपको चोर बना दिया. जबकि इतने दिनों से आपसे बिना पूछे मैं आपके घर में घुसा हुआ हूँ, आपने कुछ नहीं कहा. तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप कौन सी चक्की का आटा खाती हैं? शिवेंदु आ जा. तू तो कह रहा था कि ये गुस्सा है, ये तो हंस रही है. तुमने भैया को ये कहा है कि मैं गुस्सा हूँ? भैया मैं गुस्सा नहीं थी, मैं थोड़ी सी परेशान थी. पहले बता देता तो परेशान नहीं होना पड़ता. मैंने तो कहा था कि बता दो. क्यों नहीं बताया? तुमने कब कहा था? कहा तो था उस दिन. किस दिन कहा था? अरे उस दिन. अरे जब कह रही है कहा था तो कहा होगा? कहा था. सब तेरी गलती है. हाँ सारी गलती मेरी ही है, मैं ही कल्प्रिट हूँ, मुझे ही सूली पे चढ़ा दो. वाह ये ठीक रहेगा. भैया आप अंदर आइए और आप बाहर जाइए. बाहर जाइए. खोलो. खोल दो. आप बैठे खोलो. जो खत्म हो गया भाई खोलो. भाई खोलो. भैया आपकी ट्रेन कितने बजे की है? 12 बजे की है. आपने पैक कर लिया ना सारा सामान? ये रहा सामान. भैया जब आप नहीं जा रहे थे तो सोच रहा था कि कब जाओगे, अब जब आप जा रहे हो तो
लग रहा है कि क्यों जा रहे हो? तो रुक जाओ। बिल्कुल। अरे अंबाला में ही तो रहता हूँ, अगली बार फिर आ जाऊंगा तेरी भाभी और सुरीली के साथ। हाँ, लेकिन इस बार जब आप आओ तो हमारी ऑफिशियल वेडिंग के बाद ही आना। हाँ, अगली बार आऊंगा तो मैं बिन बुलाया मेहमान नहीं रहूंगा। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, वो मैं सोलंकी के साथ फॉलो अप कर लूं? सोलंकी के साथ फॉलो अप क्यों? आपको पेमेंट नहीं मिली ना? हाँ? किसने कहा पेमेंट नहीं मिली? वो तो मंडे को ही मिल गई। व्हाट? तो फिर आपने बताया क्यों नहीं? I'm so sorry. Actually, तुम लोगों को बताता तो बीवी को बताना पड़ता, बीवी को बताता तो वो कहती वापस आ जाओ, और वापस चला जाता तो मेरी वेकेशन कट शॉर्ट हो जाती, जो कि मैं नहीं चाहता था। एक्चुअली मुझे यहाँ इतना मजा आ रहा था कि मैंने कहा कुछ दिन और रह लेता हूँ। तो बेसिकली हाइडिंग इन्फॉर्मेशन रन्स इन द फैमिली। ओह यस, ये हमारा खानदानी पेशा है, हम दोनों भाई हैं। अच्छा एक जरूरी बात, ये तू रख ले। भैया बोल के बता देते, चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी। नहीं भैया, मैं ये नहीं ले सकता। अरे ये गिफ्ट नहीं है, इक्विटी है। इक्विटी किस बात की? तेरा इन्वेस्टर भाग गया है तो मैं हूं तेरा इन्वेस्टर, और ये मेरी इन्वेस्टमेंट। भैया आप तो मेरे प्लान के बारे में भी नहीं जानते, तो मैं ये कैसे? तेरे ट्रक पे आया था ना, तेरी मेहनत देखी, इंप्रेस हो गया। थैंक यू भैया। मजाक कर रहे हो ना? कभी कभी सीरियस भी होता हूँ। अच्छा। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। हाँ चंदू पहुंच गया, बस आ रहे, अब चले। तो इस सीरीज से आपने क्या सीखा? भाई हम दोनों जिस गेस्ट हाउस पर गए थे उस गेस्ट हाउस का नाम क्या है और वो कहाँ है? Yes, and 10 lucky winners will win gift vouchers worth rupees 1000 each from UrbanClap for their sofa cleaning services. And please like, share and subscribe to Shitty Ideas Trending. And this is all of us signing out. Love and peace from us to you. Okay guys, we changed our minds. So cancel karte. Great. भाई तू तो कमाल है यार, तुझे यहाँ के रास्ते वास्ते पता है? पागल है क्या? मतलब तूने तो बोला वो हाईवे बंद है, तुझे जाना था। पागल है क्या? मुझे भी नहीं जाना था। देख हमारी डेस्टिनेशन सेम है, आई जस्ट टुक अ स्मार्टर रूट। तू ना अपना देखने का नजरिया बदल।